सुंदरनगर में मनाए जाने वाला पारंपरिक देवता मेले को जिला स्तरीय से बढ़ाकर राज्य स्तरीय करने पर सुकेत देवता कमेटी द्वारा विधायक राकेश जम्बाल का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह को हर्षोल्लास उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सोनी ने विधायक राकेश जम्बाल और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल से धन्यवाद किया और इस मेले को राज्य स्तरीय करने पर अपनी कमेटी की तरफ से एक देव सदन की मांग की, जिसे विधायक ने SDM राहुल चौहान को सदन के लिए जगह देखने के लिए कहा ताकि इसका निर्माण जल्द से जल्द हो सके। अपने संबोधन में विधायक राकेश ने कहा कि इससे पहले कई सरकारें आईं और गईं लेकिन इस मेले को राज्य स्तरीय दर्जा नहीं दिला पाईं, लेकिन हमारे एक अनुरोध पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे राज्य स्तरीय दर्जा देकर सुंदरनगर को सम्मान दिया है, जिसका 25 सितंबर को कैबिनेट में मंजूरी भी दिला दी गई है। इस मेला में शिरकत करते थे, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता देवता मेला के उद्घाटन अवसर पर, समापन अवसर पर आए, लेकिन कभी किसी ने यह चिंता नहीं की कि हमारा ये जो राजाओं के समय से चला रहा हमारा देवता मेला, इसका कोई दर्जा होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से सत्ता परिवर्तन हुआ। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में जनता की सेवा करने लगी। सरकार बनने के पश्चात और मेरे विधायक बनने के पश्चात पहली बार ये मेला आयोजित किया जा रहा था। आदरणीय राहुल चौहान जी SDM सुंदरनगर, वो मेला कमेटी के अध्यक्ष के नाते सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे, सारी तैयारियां कर रहे थे। हमारे सारे देव समाज के लोग देवताओं को लेकर यहां सुंदरनगर पहुंचते हैं। किस प्रकार की प्रथाएं, देवता घर से निकलता है, उस गांव के हर व्यक्ति को, एक परिवार के एक सदस्य को देवता के साथ आना पड़ता है और अपना परिवार का, घर का काम काज, अपना व्यापार छोड़कर, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर हमारे सारे लोग इस देवता मेला में आते हैं। ऐसी चिंता नहीं की गई। जब कालदासन के सारे सम्माननीय पदाधिकारी मुझसे मिले, अभिषेक सोनी जी की सारी टीम आई, इन्होंने मेरे से बातचीत की, SDM सुंदरनगर से मिले और हमने कहा कि हमारा ये देवता मेला मैं भी बचपन से देख रहा हूं कि जब इसका उद्घाटन होता था तो रेस्ट हाउस से देवता चलते थे और जोहर पार्क तक आते थे और जब समापन होता था तो महामारी